गोला थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, साथ ही मौके से दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जबकि गोला थाने के प्रभारी हेमेंद्र पांडे के नेतृत्व में की गई छापेमारी में मौके से भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित असलहा बरामद किया गया। आपको बता दें, गोला पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए एसपी साउथ विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि गोला थाना क्षेत्र में अवैध असलहे के काले कारोबार का खुलासा हुआ है। अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री के भंडाफोड़ करने के साथ ही गोला थाने की पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हालांकि मौके से दो बदमाश फरार हुए हैं। फरार हुए बदमाशों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, डिमांड बना है क्या? डिमांड बना, हाँ डिमांड बन गया। वैसे तो वो है राजेश साहब, जो भी हो तो आना चाहिए। थाना गोला पुलिस जो है SOP गोला और उनकी टीम द्वारा असला फैक्ट्री बरामद किया गया है, जिसमें दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों अभियुक्त जो एक पतिराम है वो उसको बनाने का काम करता था, जो कि कुछ दिनों पहले बॉम्बे से लौटा था, और ये अभी एक हफ्ते पहले यहाँ पे गांव मठिया है यहाँ पे ये इस काम को शुरू किया था। काफ़ी असलहे बरामद हुए हैं और अर्धनिर्मित कट्टे और जो उसके बनाने के औजार होते हैं वो सब बरामद किया गया है, और ये एक अच्छी सफलता है। पुलिस को ये एक बढ़िया फैक्ट्री बरामद हुई है और दो अभियुक्त जो भागे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया गया। इन अभी सप्लाई का ही बात ही नहीं है, अब ये 7 दिनों से ये इसको शुरू किए थे काम। इसके पहले ये कारपेंटर का काम करता था बम्बई में, और अभी मऊ का रहने वाला है। इन लोग संपर्क किए होंगे कहीं से, और उसके बाद अभी 7 दिनों से ये बना ही रहते, अभी बेच नहीं पाए। अभी अपराधियों से कोई ऐसा लिंक नहीं है, इनका मोबाइल नंबर देखा जाएगा, उसको ट्रेस किया जाएगा, अगर कहीं कोई संपर्क होगा तो उनके भी कार्रवाई की जाएगी।